गुड मॉर्निंग भाई सभी को, जल्दी जुड़ें फिर क्लास स्टार्ट करेंगे फटाफट। लाइव आए, टॉपिक दिख रहा है, जो टॉपिक हमने किया था उससे आगे बढ़ाएंगे और साथ में आज एक लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा, क्लास के बाद में एक लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा। गुड मॉर्निंग पवन कुमार, गोविंद, सोनिया, संदीप, नेहरा, सब भाई राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी जुड़े। टॉपिक करवाएंगे उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। चलिए भाई, जुड़ गए बच्चे काफी, अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार ये बताओ भाई, सारे जने आवाज आ रही या नहीं, जल्दी एक बार ये बता दे कि आवाज क्लियर है या नहीं। हाँ भाई संदीप, नेहरा, क्वेश्चन आ गया, बताना भाई क्या क्वेश्चन था, मेरी याद नहीं है, पूछ लेना ठीक है। पहले ये बताओ आवाज आ रही है या नहीं। आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन पुट कर लिया रवि रंगी। क्वेश्चन है भाई, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ था। चलो ठीक है भाई, बस ठीक है, अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके क्लियर है, सबकी आवाज आ गई, समझ लिया। अब सुनो, एक ने क्वेश्चन पूछा था, अब उसका जवाब देते कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था। देखो एक बात तो ये ध्यान रखें, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में या इस तरह कोई भी एग्जाम हो उसमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हुए क्यों हुआ था, क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियर कट बात नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा है तो जरूर जवाब देंगे भाई। हाँ एक ये भी आ गया, ठीक है, यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, जग्गा जासूस का उत्तर आया है, गद्दे और पद्दे में लिखा गया वेद यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ था। भाई देखो इसके पीछे ना कोई भी हिस्टोरिक बात नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट इसके पीछे कोई नहीं है, कुछ कहानियां हैं, दो तीन कहानियां हैं जो आप लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर कहीं कहीं पे आपने जो है सुनी होंगी, ठीक है, मौसी के बारे में बात कर रहा हूं। अब बात यह है कि लड़ाई वहां पर क्यों हुई थी, इसमें दो तीन कहानियां हैं। पहली कहानी कहती है कि श्री कृष्ण को जिम्मेदारी मिली थी कि लड़ाई कहां पे की जाए, युद्ध के लिए कोई बढ़िया जगह बताओ कि जहां पे कोई समस्या ना रहे। तो एक कहानी कहती है कि कृष्ण जो है उसने उन्होंने अपने कुछ शिष्य भेजे, उनके अपने कुछ गुप्तचर भेज दिए, ठीक है, वो भेजे, उसके बाद क्या रहा कि सबने बताया कि जगह, एक जगह का चुनाव क्या हुआ, किसी ने बताई कहानी आके श्री कृष्ण को कि मैं एक जगह पे गया था, वहां एक भाई और दूसरे भाई में कोई बात चल रही थी, दोनों भाई खेत में थे, खेत की जो नाली होती है जो हम खेत में पानी देते हैं, ठीक है, खेत की नाली से पानी जो है दूसरे खेत की तरफ जाने लग रहा था या जा रहा था पानी, तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा भाई जल्दी पानी को रोक, मैं किसी और काम में बिजी हूं, तू फटाफट से पानी को रोक ले। छोटे भाई ने गुस्से में जवाब दिया कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, छोटे भाई ने बड़े भाई को जवाब दिया कि मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं क्यों करूं, तेरा आदेश क्यों मानूं। और इस बात पर बड़े भाई को गुस्सा आ गया, बड़े भाई ने छोटे की वहीं पर कसी से हत्या कर दी और उसी के शव को उस बंदे पे लगा दिया, जो बोलते हैं बंदा लगाना नाली पे, मतलब बंदे पे लगा दिया। और ये चीज देख के गुप्तचर को ये लगा भाई जहां पर भाई और भाई के बीच में प्रेम नहीं है, बोला कि भाइयों की लड़ाई के लिए बढ़िया जगह यही है,
जहां भाई और भाई के बीच में प्रेम नहीं है, भाइयों की लड़ाई के लिए बढ़िया जगह यही है। तो एक कहानी ये है, लेकिन ऐसी कहानियां, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इन कहानियों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक कहानी कहती है दूसरी कहानी कि राजा कुरु ने अपना जंगल बसाया था, जंगल को साफ किया, बल्कि जंगल बसाया गया था, जंगल को साफ किया, खेत बनाए, उसका नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। देवता इंद्र ने उनसे कहा, भाई आपने इतना अच्छा काम किया कि बताओ आपको वरदान में क्या चाहिए। ठीक है, अब बात यह आई कि वरदान में क्या चाहिए। राजा कुरु ने कहा कि मुझे वरदान दो कि इस पुण्य धरती पे मरने वाला कोई भी जीव सीधा स्वर्ग में जाएगा। इस बात पे इंद्र हंस पड़ा, बोले कोई बात थोड़ी हुई, काफी सालों बाद तक यूं हंसी उड़ाती रही उनकी, बार बार हंसी उड़ाई। बाद में जाके जो है उनके बीच में सुलह हुई और इस बात की सहमति हुई कि ठीक है, यहां मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे भूख से मरे या फिर युद्ध से मरे, वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो कृष्ण को लगा कि ठीक है, यहां मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। ये कहानियां हैं भाई, कहानियां हैं, इतिहास का कहानी से कोई संबंध नहीं होता। हमने हिस्ट्री पढ़नी है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों से कि इस प्रकार के प्रश्न ना पूछें जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में चलते रहते हूं, जिनका एग्जाम के साथ कोई संबंध नहीं है। हम हिस्ट्री करेंगे, दिल्ली पुलिस के बैच के लिए करेंगे। अब टॉपिक पे करते हैं बात। कहानियां बहुत सारी हो सकती हैं, मैं उनके ऊपर बात ही नहीं करता। हिस्ट्री, हिस्ट्री वो होती है गो विद द फैक्ट, तथ्य के साथ जो बात करें वो होता है इतिहास। इनकी हमने बात करनी थी साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स की बात कर रहे हैं हमने। अब देखो इसके बारे में क्या रह गया था, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। ये बहुत प्रश्न आते हैं, कोई भी एग्जाम हो जाए, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा, एसएससी, जो भी एग्जाम रहेंगे सब में यहां से प्रश्न आते हैं। तो बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी मैं टॉपिक को आरंभ कर लेता हूं। अपनी बुक में निकाल लें इसको, जो मैंने बुक बता रखी है, किसी के पास लुसेंट की बुक है, किसी के पास अरिहंत की बुक है, किसी के पास और कोई बुक मिलेगी, वो अपनी अपनी बुक में जो है इसको चैप्टर को निकाल लें, और हम जो है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं चैप्टर के बारे में। साहित्यिक स्रोत, हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ लिया ब्राह्मण साहित्य, उसमें हमने पढ़ लिया वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, महाकाव्य वगैरह, ये हम सब पढ़ चुके। ठीक है, कल कुछ बुक्स रह गई थी सर। हाँ भाई, बुक्स के बारे में बात करें, अभी उसी का टॉपिक चलेगा अभी। ठीक है गौतम, देखो भाई फटाफट इसको नोट कर लेंगे जो आपकी बुक में नहीं है। मैं कुछ खास बुक्स के बारे में बात करूंगा जिनसे हमारा साहित्य की पहचान होती है, हिस्ट्री के सोर्स कहां से निकल के आते हैं। जैसे गीत गोविंद, बहुत अच्छी पुस्तक है गीत गोविंद। राइटर कौन था भाई इसका, जयदेव। राइटर इसका जयदेव, गीत गोविंद पुस्तक के राइटर जयदेव। इस तरह कई सारी बुक्स हैं भाई, जल्दी लिखे फटाफट इनको, गीत गोविंद के राइटर जयदेव। उसके अलावा अगर बात करें इसमें कालिदास, कालिदास की पुस्तकें कौन सी रही हैं, रघुवंश, रघुवंश। मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र कालिदास की पुस्तक है। गीत गोविंद जो है जयदेव की, कालिदास की रघुवंश, मालविकाग्नि मित्र। उसके अलावा अगर और बात करें इसमें मेघदूत, मेघदूत कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का भाई अर्थशास्त्र नोट कर लेंगे। कामंदक, कामंदक राइटर का नाम है, कामंदक का नीति सार, कामंदक का नीति सार, कामंदक राइटर का नाम है, इनकी पुस्तक है नीति सार। दंडी, दंडी राइटर का नाम है भाई, दंडी की पुस्तक दस कुमार चरित, दंडी की पुस्तक दस कुमार चरित, राइटर का नाम है भास, राइटर का नाम क्या है भास, भास की पुस्तक क्या है सवपन, वास वदता, सवपन वास वदता भास की रचना है।
राइटर का नाम है शूद्रक, शूद्रक। पुस्तक का नाम क्या है? मरीचिकटिकम। कई बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न, शूद्रक की पुस्तक क्या है? मरीचिकटिकम। मरीचिकटिकम से एक क्वेश्चन और भी आता है भाई, इंपोर्टेंट क्या रहता है कि मरीचिकटिकम का मीनिंग क्या निकलता है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को निकालें, मरीचिकटिकम के शाब्दिक अर्थ को निकालें, क्या निकलेगा? लिटिल, क्ले, कार्ट। कार्ट माने गाड़ी, छकड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, कार्ट गाड़ी। क्ले माने मिट्टी, क्ले मिट्टी से बनी हुई गाड़ी। मीनिंग क्या निकलता है? मिट्टी का खिलौना। बहुत बार एग्जाम में आप प्रश्न अभी चल रहा है, ये पिछले 2-3 साल से इस प्रश्न की सेंस चेंज हो चुकी है। पहले क्या आया करता कि मरीचिकटिकम का रचनाकार कौन था? शूद्रक। अब कई बार एग्जाम में क्या आने लगा है कि मरीचिकटिकम का मीनिंग क्या निकलता है? मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, लिटिल क्ले कार्ट। इसलिए कहता हूं कि अपडेट रहना बहुत जरूरी है, लगातार पढ़ना बहुत जरूरी है। जो ये कहते हैं कि हिस्ट्री पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं बदलता, बदलता बहुत कुछ है। शूद्रक कृष्णा मरीचिकटिकम, राइटर का नाम देखिए नेक्स्ट, बाण भट्ट। बाण भट्ट राइटर का नाम है, पुस्तक का नाम क्या रहेगा? हरश्चरित। बाण भट्ट की पुस्तक हरश्चरित, बिल्कुल सही। एक पुस्तक आई है भाई, लिखा है लड़के ने, गौतम शर्मा लिखा है, अष्टाध्यायी, बिल्कुल सही है। लिखता हूं मैं यहां पे, राइटर का नाम है पाणिनी, पाणिनी। पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्ट, अष्ट माने आठ, अष्ट माने आठ, अध्याय माने चैप्टर, जिसमें आठ चैप्टर हो वो अष्टाध्यायी। लेकिन इसके बारे में और क्वेश्चन क्या आता है? संस्कृत व्याकरण पे लिखा गया भारत का पहला ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण पे लिखा गया भारत का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी। अगर वेदों को छोड़ दें, वेदों को छोड़ दें, उसके बाद किसी एक पुस्तक की बात करें, संस्कृत व्याकरण पे लिखा गया भारत का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी। किसकी रचना है? पाणिनि। उसके बाद देखें नेक्स्ट, राइटर का नाम है पतंजलि, पतंजलि। रामदेव नहीं, पतंजलि। कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे, मन ही मन में, रामदेव रामदेव वो नहीं, पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक क्या है? महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक, बिल्कुल सही। पवन कुमार, बाण भट्ट की एक पुस्तक और है, बाण भट्ट की एक पुस्तक और है भाई। पवन कुमार ने उत्तर दिया है, यही चाहिए। सिर्फ मैं बताऊं उसे काम नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया है कि बच्चे मिलकर उत्तर दें, हम सभी क्लास का हिस्सा बने। जवाब दे इस तरह कमेंट में, और बताएं इस तरह, और नॉलेज निकाल के लेके आए, बहुत बढ़िया। पवन कुमार, गौतम शर्मा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरह कुछ बुक्स बताएं फटाफट। सही बताया पवन कुमार ने, बाण भट्ट की कादंबरी, बहुत बढ़िया भाई। बाण भट्ट की पुस्तक कादंबरी, एक हो चुकी पहले हरश्चरित, पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, चरक संहिता। पुस्तक का नाम चरक संहिता भाई, पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। किसकी पुस्तक है? महर्षि चरक, महर्षि चरक, बिल्कुल सही। और भी उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चरक संहिता किसकी रचना है? चरक, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। राज तरंगिणी, बहुत बढ़िया। अंकित कौशिक, मेरे पास फोन नहीं है वरना मैं इसको लाइक करता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसकी रचना भाई? राज तरंगिणी कल्हण, कल्हण मोस्ट इंपोर्टेंट, कल्हण, वेरी गुड अंकित कौशिक।
राष्ट्रंगिणी की पुस्तक है भाई, किसकी पुस्तक है? कल्याण की। अब सुनो इसके बारे में और क्या था प्रश्न, राष्ट्रंगिणी में किसका इतिहास है? राष्ट्रंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर, नोट कर लेंगे। राष्ट्रंगिणी किसका इतिहास है? कश्मीर। कश्मीर राज्य के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में डिटेल से सीक्वेंस से बताया गया है, बिल्कुल सीक्वेंस से, ठीक है। कई हाँ उत्तर आ रहे हैं। अच्छा ये भाई तो पहले आ चुका भाई, गौतम शर्मा ही तो पहले आ चुका, कामंदक का नीतिशार, पवन कुमार ये आ चुका पहले, मनीष शर्मा बहुत बढ़िया पता तुम्हें। राष्ट्रंगिणी कल्याण की रचना है, इसमें कश्मीर का इतिहास है। एक और सुने अभी, कल्याण की तरह एक नाम है राइटर का, राइटर का नाम लिखता हूं यहां पे, बिल्लन, बिल्लन। इनकी पुस्तक कौन सी है? विक्रमांक देव, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित बिल्लन की पुस्तक है, बहुत बढ़िया है, ये भी इंपोर्टेंट पुस्तक है भाई। इस तरह कल्याण की, राष्ट्रंगिणी, बिल्लन की, विक्रमांक देव चरित। उसके बाद एक दो पुस्तक और देखें फटाफट। हाँ ये बिल्कुल सही, अजय उड्डा बहुत बढ़िया, पंचतंत्र बहुत बढ़िया, पुस्तक का नाम है भाई पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक रही है ये, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। छोटे बच्चों को पढ़ाने की बड़ी शानदार कहानियां इसमें हैं, जानवरों की कहानियां, पक्षियों की कहानियां, जो हम सुनते आए हैं कि एक चिड़िया थी उसके दो बच्चे थे, तोता मैना की कहानियां, एक बाघ था एक शिकारी था, ऐसी ऐसी कहानियां वो इसमें आई हैं, बहुत शानदार पुस्तक है। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र। और देखें इस तरह की, अब जो ये राजा हैं, जो राजा हैं ये हर्षवर्धन, इनकी बहुत सारी पुस्तकें आई इंपोर्टेंट, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक दो बच्चे ने कमेंट में बताया था इन्हीं का, सुने अब इनके बारे में, इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं मैं। राजा का नाम भाई हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की कई पुस्तकें आई हैं, जैसे कि नागानंद, बहुत अच्छी पुस्तक है नागानंद, रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तकें राजा हर्षवर्धन की हैं। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी, हाँ दीपक देशवाल बहुत बढ़िया, पवन कुमार यही, बहुत अच्छी पुस्तक है भाई, इसको बताऊंगा अभी मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, दीपक देशवाल ने बताया, पवन कुमार ने बताया है, बहुत बढ़िया। कुंडू, कुंडू ने बताया भाई पद्मा, बहुत बढ़िया पुस्तक है, मैं सभी करता हूँ जिक्र, ठीक है। यही तो भाई क्लास में इस तरह की अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मजा आएगा। इसी के बारे में करते हैं बात, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत किसकी है? मलिक, जायसी, पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत किसकी रचना भाई? मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ठीक है पवन कुमार करता हूं बात, मुद्रा राक्षस बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त की एक और पुस्तक है, जल्दी बताएं, विशाख दत्त की एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस के अलावा, जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, विशाख दत्त की एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस के अलावा, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी पहले। चलो करते हैं बात, पुस्तक का नाम है देवी चंद्र, देवी चंद्र गुप्तम,
देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें बता रहे हैं बच्चे, करेंगे बात भाई। जो इंडिका चल रही ना, इंडिका, ये विदेशी यात्रियों की पुस्तकें हैं, विदेशी लेखकों की, इसके बारे में करेंगे बाद में बात। अभी बात चल रही है सिर्फ भारतीय स्रोत की, केवल इंडियन सोर्सेज। राहुल, राहुल पूछ रहे हैं भाई कि एक्स ग्रुप की ऑनलाइन क्लास का टाइम, भाई इनकी ऑनलाइन क्लास का जो टाइमिंग है वो दोपहर को 1 बजे शुरू होती है, 1 बजे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी, ठीक है। भवभूति, बहुत बढ़िया, कुंडू ने बताया है कि भवभूति, उत्तर रामचरित, नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी पुस्तक है भाई, उत्तर रामचरित। चलो यहां करते हैं, इसमें भवभूति पुस्तकें बहुत सारी हैं, लेकिन बात है कि इंपोर्टेंट कौन सी हैं। राइटर का नाम क्या है? भवभूति। पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, सही है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये नहीं भाई, माधवी वर्मा की जो पुस्तक है यामा, ये इसमें नहीं है। एंशियंट इंडिया की बात चल रही है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास हमें किस प्रकार उसकी जानकारी मिलती है उसकी बात चल रही है, ये नहीं। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स जो हमारे एग्जाम में आती रहती हैं, लौकिक साहित्य में यही है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिलहाल में, नहीं नहीं, लाइफ डिवाइन जो है अजय हुड्डा, जो ये पुस्तकें हैं लाइफ डिवाइन, ये आधुनिक मॉडर्न स्ट्रीम आती है, ये नहीं। चलो अभी इतना ही, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत के बारे में जो बताया गया, अब उसकी बात करेंगे। इसी में, इसी टॉपिक में ऐड कर लेंगे, नहीं नहीं ये भी नहीं चलेंगी, बीजक नहीं, अभी नहीं, इनके बारे में बाद में करेंगे बात। प्राचीन भारत के इतिहास में यही था, इसी का एक पार्ट है विदेशी यात्रियों की पुस्तकें, एडिंग बना ले फटाफट, विदेशी यात्रियों की पुस्तकें, टॉपिक यही है भाई, टॉपिक अभी चेंज नहीं किया है। इस टॉपिक को इस प्रकार पढ़ा देंगे, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं बचने देंगे। हां, उत्तर आने शुरू हो गए, ठीक है, जग्गा जासूस, क्या बात है, नाम भी खतरनाक है, जग्गा जासूस। चलो करते हैं बात, हम बात करें फिलहाल में विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई, जिनमें जिक्र आया विदेशी विवरण, इसको हम कह सकते हैं विदेशी विवरण, फॉरेन अकाउंट्स इंग्लिश में कहें तो, जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनके बुक में दिया मिलेगा, फॉरेन अकाउंट्स। इसमें देखें विदेशी विवरण के बारे में सबसे पहला नाम किसका आता है? हेरोडोटस, बहुत बार नाम सुना होगा, हेरोडोटस। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में, इस राइटर ने हिस्टोरिका पुस्तक में, सॉरी, हिस्टोरिका पुस्तक में हेरोडोटस ने पहली बार भारत के बारे में बात की है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत के विषय में बात करने वाला प्रथम विदेशी या प्रथम ग्रीक राइटर, भारत के विषय में बात करने वाला प्रथम विदेशी राइटर कौन था? हेरोडोटस। पुस्तक का नाम क्या रहेगा? हिस्टोरिका। इस राइटर ने इतिहास को लिखा सीक्वेंस में, तरीके में, पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इसलिए, इसी योगदान के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक। आपसे पूछ ले हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री या हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। क्यों? इन्होंने ही पहली बार इतिहास को इतिहास के तरीके से बताया।
अब कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझे, सभी बातों को एक ऑर्डर में देने वाला व्यक्ति हेरोडोटस। दैट्स वाई वी कॉल्ड दैट फादर ऑफ हिस्ट्री। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। आगे बढ़ते हैं, बच्चे ने कमेंट किया है प्लिनी, बिल्कुल सही, जग्गा जासूस छा गया भाई आज तो, जग्गा जासूस। नेचुरल हिस्ट्री, बच्चे नोट कर लेंगे फटाफट, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेचुरल हिस्ट्री। किसकी रचना है? प्लिनी, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? प्लिनी। बताया भारत के बारे में इसने भी। थोड़ा आगे बढ़ते, इसमें एक राइटर है, कमेंट में आ गया है, अजय उड्डा, बहुत बढ़िया, किताब उल हिंद, नोट कर लेंगे बच्चे इसको फटाफट, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, किताब उल हिंद, इसको कह सकते हैं हम तहकीक ए हिंद, तहकीक। तहकीक माने क्या होता है? खोज, कहते हैं ना तहकीकात करना, जानना, भारत की, हिंद की खोज, हिंद के बारे में जानना। किसकी रचना है? अलबेरूनी, किताब उल हिंद बाय अलबेरूनी। अलबेरूनी कौन था? यह था एक अरबी लेखक, आया क्वेश्चन एग्जाम में। अलबेरूनी कहां से आया था? अरब, अरब देश का था। किसके साथ भारत आया था अलबेरूनी? किसके साथ भारत आया था? एक आक्रमणकारी था भारत में, आया था वो, एक आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार। उसी के साथ में ये विद्वान भी भारत आया था। क्या नाम था उसका? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबेरूनी। महमूद गजनवी, बहुत बढ़िया। मनीष शर्मा, पवन कुमार, अंकित कौशिक, शाबाश। गौतम शर्मा, ये जो बुक हैं इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक हैं। टॉपिक चल रहा अभी प्राचीन भारत, फोकस ऑन द टॉपिक। किताब उल हिंद बाय अलबेरूनी। अलबेरूनी कौन है? अरबी लेखक। एक पुस्तक और है, चचनामा, मोस्ट इंपोर्टेंट। चचनामा किसकी रचना है? चचनामा किसके बारे में है? बहुत प्रश्न उठते हैं, चचनामा किसकी पुस्तक है, किसके बारे में है? चचनामा एक अरबी राइटर की पुस्तक है, अरबी। लेकिन कुछ बुक में इस व्यक्ति का नाम हमें नहीं मिलेगा, कुछ बुक इसका नाम दिखाती हैं, अली अहमद। पवन कुमार ने ठीक उत्तर दिया है, गौरव पंचाल, बहुत बढ़िया, मैं भी यहां पे आऊंगा। कंगयूर तंगयूर, बहुत बढ़िया भाई, आई लाइक इट, शानदार क्वेश्चन है ये। अली अहमद ने रचना की थी, किसकी? चचनामा की। कई बार ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा अली अहमद, वहां पे क्या मिलेगा? इसलिए कहता हूं सिर्फ बुक ना पढ़े, बुक में सारी बात क्लियर नहीं होती। ऑप्शन में अगर ये नहीं मिला तो क्या उत्तर रहेगा? आंसर में मिलेगा अरबी लेखक, अरेबियन राइटर। ठीक है, बात करूंगा गोविंद, यही बात करूंगा मैं। बात है, बहुत अच्छी बात इन्हें कही गौरव पंचाल ने, कंगयूर और तंगयूर, इनको नोट कर लेंगे, मैं साफ करता हूं पहले। कंगयूर और तंगयूर, ये दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें हैं। लिखी किसने? तारानाथ ने।
बहुत बार एग्जाम में आया प्रश्न ये, कंगयूर और तंगयूर लिखी तारानाथ ने, और तारानाथ कहां से थे? तिब्बत। तारानाथ तिब्बत के राइटर थे, नोट कर लेंगे फटाफट। कंगयूर, तंगयूर, तिब्बतिन राइटर के द्वारा लिखी गई, तारानाथ के द्वारा। कुछ और विदेशी यात्री हैं अगर प्रश्न आ जाए, बिल्कुल सही। अनूप अलावत, बहुत बढ़िया भाई, इंटेलिजेंट बच्चा है अनूप अलावत, बहुत बढ़िया, माय फेवरेट स्टूडेंट। उसके बाद बात करते हैं चीनी यात्री, भारत में आने वाले चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन कौन भारत में आए हैं? चीनी यात्री कौन कौन भारत में आए हैं? सबसे पहला कौन आया था? सबसे पहले आया था फायान। फायान के बाद कौन आया था? अयून सांग। फायान और हयून सांग, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चे उन्हें थोड़ा दिक्कत होगी इसमें, मैं इसका नाम लिखता हूं अंग्रेजी में, अब मैच कर पाओगे। अयून सांग, अयून सांग का एक चाइनीज नाम अलग था इसका। अयून सांग का कई बार एग्जाम में यह नाम नहीं मिलता ऑप्शन में, वह नाम क्या मिलता है? युवान चांग। युवान चांग ही भाई गौतम शर्मा बाकी भी फेवरेट है, मेरी गलती हुई, सभी छात्र मेरे फेवरेट है भाई, लेकिन फिर भी एक होता इंटेलिजेंट ज्यादा, सब फेवरेट है, सारे सारे प्रिय हो, ठीक है, यू ऑल आर माय फेवरेट, बुरा ना माने इस बात का। अयून सांग, युवान चांग, फायान की पुस्तक क्या थी? फायान की पुस्तक का नाम बताएं फटाफट, फायान की पुस्तक का नाम क्या था? फोकाकी। फायान की पुस्तक का नाम है फोकाकी, ठीक है। अयून सांग की पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी बताएंगे, हयून सांग की पुस्तक का नाम क्या है? हालांकि एक पहले आंसर दे चुका बच्चा, एक पहले अंकित कौशिक का उत्तर पहले आ चुका है, बहुत बढ़िया। सी यू की, सी यू की, अंकित कौशिक, बहुत बढ़िया। अनूप अलावत फिर बाजी मार रहा, बहुत बढ़िया, यह होना चाहिए कंपटीशन की भावना। पवन कुमार, ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, पवन कुमार बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ये भी। अयोन सांग की पुस्तक क्या है? सीयू की। फायान की पुस्तक क्या थी? फोका की। अब प्रश्न है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायान, फिर अयोन सांग, प्रश्न और भी आते हैं। फायान किसके काल में भारत आया था और हयून सांग किसके समय भारत आया था, यह भी इंपॉर्टेंट बात है, सारी बात करेंगे। फायान किसके काल में भारत आया, जल्दी बताएं। यह भारत आया था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और अयून सांग भारत आया था राजा हर्षवर्धन के समय। फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और हयून सांग भारत आया था राजा हर्षवर्धन के समय। पवन कुमार का उत्तर आया बिल्कुल सही है। अब देखो याद कैसे करेंगे, अयून सांग में है, जब आप हयून सांग बोलेंगे तो है, शुरुआत में है हर्षवर्धन, है अयून सांग हर्षवर्धन, दूसरा बचेगा वो यहां पे। इसकी बुक के नाम में पहला अक्षर मैच करता है फायान फोका की, इसमें राजा के नाम में पहला अक्षर मैच करता है अयोन सांग हर्षवर्धन, छट जाएगा उत्तर। अब करते हैं बात उससे आगे,
अयोन सांग का निकनेम क्या था, भारत में इसको किस नाम से भी जाना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न ये। अयोन सांग का अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम क्या था जल्दी बताएं। अयोन सांग का अन्य नाम क्या बोलते हैं इसको, रुकना नहीं है, फटाफट कमेंट करते रहें, एक्टिव रहना है। हयोन सांग का नाम क्या था, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, बिल्कुल सही। पवन कुमार का उत्तर आया, जग्गा जासूस का उत्तर आया, अनूप अहलावत का उत्तर आया, बहुत बढ़िया, छा गया तो बिल्कुल। यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस, प्रिंस वैसे मेरे छात्र का नाम भी है, पता नहीं कहां गायब आज वो, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार। पिलग्रिम भी एक अपने आप में अलग शब्द है, जब कोई धार्मिक यात्रा पर निकलता है, जब कोई धार्मिक यात्रा पर निकलता है उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स। क्यों? क्योंकि जो ये था ना अयोन सांग, ये भी धार्मिक कारण से भारत में आया था, अयोन सांग भी धार्मिक कारण से भारत में आया था। वो क्या कारण था, वो अयोन सांग को, यात्रियों के राजकुमार को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेनी थी। इसको चाइना से भेजा ही इसलिए गया था ताकि, हाँ चीनी, चीनी भी कह सका सर भाई, चीनी भी कह सका इसने, चिंकी, अच्छा चिंकी, गौतम शर्मा बिल्कुल फनी वे में आ गया तू, ठीक है बहुत बढ़िया, चिंकी कह ले भाई। यात्रियों का राजकुमार जो है वो भारत में बौद्ध धर्म के विषय में, महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत आया था, इसलिए यात्रियों का राजकुमार यानी जो हयून सांग है वो 16 साल भारत में रहा, 16 साल भारत में रहा। आया क्वेश्चन हरियाणा एग्जाम में कि अयोन सांग भारत में कितने साल रहा था, 16 साल रहा था। अब प्रश्न यह है कि इसने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई प्राप्त की भारत में, अयोन सांग ने, यात्रियों के राजकुमार ने भारत में किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई प्राप्त की? बिल्कुल सही पवन कुमार, बहुत बढ़िया। 639 से 645 तक ये 16 साल हो गए, सॉरी 629 से 645 तक ये भारत में रहा था, बिल्कुल सही बात है, 16 साल भारत में रहा, बिल्कुल सही। पवन कुमार का उत्तर आ गया, मनीष शर्मा का उत्तर आ गया, अंकित कौशिक का उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, अनूप अहलावत, अंकुश अरावत, अरे वाह क्या बात है, सारे छागे बातों लगातार मौज कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भारत आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भारत आया था। अब प्रश्न है मेरा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है, ये डाल दिया प्रश्न, बताओ जल्दी, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है, कौन से राज्य में है आजकल, कौन से राज्य में है, बिहार, बिल्कुल सही, नालंदा बिहार में है। भारत का पहला विश्वविद्यालय इसको कह सकते हैं हम। आ चुका प्रश्न, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, नालंदा बिहार में है। एक प्रश्न और डाल दिया अभी, मेरे दिमाग में आ गया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाला वो दुष्ट आक्रमणकारी कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाला, हमारे ज्ञान को जलाने वाला, भारतीय ज्ञान को नष्ट करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई, तोड़फोड़ करी, 2 महीने तक इसकी लाइब्रेरी में आग लगी रही, उस व्यक्ति का नाम बताना कौन था। मनीष शर्मा उत्तर आया खिलजी, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है भाई, पवन कुमार ने इसका बढ़िया उत्तर दिया है, बख्तियार खिलजी, बहुत बढ़िया बख्तियार खिलजी। मैंने पहले बोला था एक बार तरीका मेरा मैच कर लो पढ़ने मजा आएगा,
बख्तियार खिलजी, बातों में से बातें निकालेंगे। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, नष्ट करवाया उसको, ठीक है। उसके बाद अगर इस टॉपिक में कोई और प्रश्न है उसके बारे में करेंगे बात, पूछते रहें। प्रश्न क्या आया है भाई, इंडिया की फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी है? सर देखो भाई, इंडिया की तो यूनिवर्सिटी है पहली यूनिवर्सिटी, वैसे भी भारत में नालंदा ही बनी है पहली। इसमें कई भाषाओं में पढ़ाई होती थी, कई लैंग्वेज में, हर प्रकार का ज्ञान, चाहे फिर वो धरती के विषय में है, अंतरिक्ष के विषय में है। तो हर प्रकार से प्रथम में नालंदा को हम रख सकते हैं, सेपरेट नहीं, लेकिन इसमें लगभग हर चीजों के बारे में पढ़ाई होती थी। अब करते हैं आगे बात, यह बात होगी इसमें विदेशी यात्रियों के बारे में जिन्होंने भारत में कुछ लिखा। लास्ट में क्या करते हैं, अभी टॉपिक रहेगा इसी के अंदर है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी इसको उतार लें, एडिंग बनाए, जैन साहित्य बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, बौद्ध साहित्य। प्रश्न आता है, बिल्कुल पहला प्रश्न इंपोर्टेंट, बौद्ध साहित्य को हम क्या कहते हैं? इसको हम पिटक बोलते हैं, पिटक, बौद्ध साहित्य को हम पिटक कहते हैं, ठीक है। पिटक कितने हैं? तीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपिटक या फिर त्रिपिटक। त्रि माने तीन, पिटक माने पिटारा, पिटक माने टोकरी, ज्ञान की तीन टोकरी, त्रिपिटक। और वो तीन पिटक कौन कौन से हैं, नोट कर ले नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीन पिटक कौन से हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, ये तीन पिटक हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सुत पिटक। सुत पिटक को हम क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? आ चुका बहुत बार प्रश्न, बिल्कुल सही अवनी, बहुत बढ़िया। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक को बोलते हैं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, यानी बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, महात्मा बुद्ध के जो रिलीजियस मैटर पे उनके थॉट, धार्मिक विचार, वो इसी में है, उनके थॉट्स, टीचिंग्स, धार्मिक विचार, विवेचना, उसका पूरा वर्णन वो है सुत पिटक में। इसको हम बोलेंगे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। एक और पुस्तक है बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत अच्छी है बौद्ध साहित्य में, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में आया है, मिलिंद पन्नो, बहुत अच्छी पुस्तक, मिलिंद पन्नो। इसके राइटर कौन थे? मिलिंद पन्नो के राइटर कौन थे? नागसेन। मिलिंद पन्नो के राइटर नागसेन, बौद्ध भिक्षु था ये, बौद्ध मॉन्क, मॉन्क भिक्षु, मॉन्क। और अगर ये भिक्षुणी होती तो नन, अगर यहां भिक्षुणी होती तो नन बोलेंगे, लेकिन यहां पे हम मॉन्क बोलेंगे, बौद्ध मॉन्क कौन थे? नागसेन। नागसेन से बात करने के लिए एक विदेशी व्यक्ति भारत में आया, नागसेन से बात करने के लिए, जीवन, जीवन की कठिनाइयों के सवालों को लेकर वो भारत में आया। नाम क्या था? मिएंडर, सॉरी मिनेंडर, लिख दिया यहां पे नाम, मिनेंडर। मिनेंडर नाम का एक यूनानी राजा, इंडो ग्रीक राजा भारत में आया।
मिनांडर को बौद्ध धर्म में या बौद्ध इसकी लैंग्वेज में इसको नाम दे दिया मिलिंद। मिनांडर को ही मिलिंद का नाम दे दिया। मिलिंद ने प्रश्न पूछे, मिलिंद ने प्रश्न पन्नो पन्नो माने प्रश्न, मिलिंद ने प्रश्न पूछे नागसेन से और नागसेन ने उसके उत्तर दिए तो पुस्तक का नाम पड़ गया मिलिंद पन्नो। अगर मिलिंद पन्नो का शाब्दिक अर्थ पूछ ले इसका लिटरेरी मीनिंग क्या निकलता है मिलिंद के प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या रहेगा नागसेन राइटर है, मिलिंद पन्नो पुस्तक का नाम है, मिलिंद के प्रश्न इसमें है। यह है बौद्ध साहित्य। प्रश्न एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। जल्दी सी बात कर लेते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी एक टॉपिक और कर ले इसी के अंदर है, टॉपिक है जैन साहित्य, फटाफट करें, सर वेट कर रहे हैं लेकिन क्या करें क्लास का टाइम हो गया, जाने का मन मेरा भी नहीं है पर क्लास तो अगली भी करनी होगी। अब बात करते हैं भाई जैन साहित्य की, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आ चुका प्रश्न, जैन जैनिज्म जो लिटरेचर है उसमें इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है, जैन में इंपोर्टेंट क्या है पुस्तकों में, अंग अंग इंपोर्टेंट है। जैन साहित्य के प्रमुख भाग क्या है, अंग। अंग कितने हैं, 12, इसलिए इस 12 को हम क्या कह सकते हैं, द्वादश अंग, इसको हम द्वादश अंग कह सकते हैं। दवा दवे दवे माने दो, दस दस और दो 12, द्वादश अंग बोलते हैं इसको जैन साहित्य को। जीके की क्लास का टाइम और बढ़ा दो भाई, बढ़ा रहे हैं चिंता मत करो, टाइम पहले बढ़ चुका है, को बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, एक घंटा दो घंटा तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे नो डाउट। 12 अंग द्वादश अंग, जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन, जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं, आगम आगम 12 अंग ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक हमारा बस कंप्लीट होने वाला है, उससे पहले एक दो बात पूछेंगे, जितना टॉपिक हमने किया है उन सब के कुछ क्वेश्चन है भाई, क्लास चली रही है चिंता मत करो, क्लास थोड़ी और कर लेते हैं कोई नहीं, सर को बोल रहा हूं मैं, जो हमारा टॉपिक हो चुका अब इसी टॉपिक के बारे में सिर्फ 5 मिनट में सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तैयार होकर बैठ जाए, किताब ले लें कॉपी ले लें नकल मारें दिमाग से करें लेकिन आंसर दें, सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो निकाल के लेके आया हूं, अगर वो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में एज इट इज हमें प्रश्न मिलेंगे। रेडी रहें, टेस्ट करने वाले हैं कभी, आज जो पढ़ाया है कल जो पढ़ाया जो परसों पढ़ाया था उन सभी का एक रिविजन रहेगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूं, भी जल्दी बताएं भाई, टेस्ट करें अभी, जल्दी आंसर दें फटाफट, या टेस्ट फिर कल करोगे, जल्दी बताएं टेस्ट अभी करें या कल करें। सर वेट कर रहे हैं, एक और बात है, आज अभी अभी सर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर 5 मिनट दे दो मुझे बस, सर बच्चे नहीं मान रहे हैं, अभी 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 बिल्कुल भाई नाउ हो गया बस, समझ लो सर ने बात हमारी मान ली, सुने अभी
रेडी हो जाओ, किताब निकाल लें, कॉपी निकाल लें, नकल मारें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट आज करेंगे। प्रश्न है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? फटाफट उत्तर दें, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव। स्टार्ट हो चुका टेस्ट, गीत गोविंद की रचयिता जयदेव। आए हुए क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन वही बोल रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चन वही हैं। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में अयोनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में अयोनसांग भारत आया था? फटाफट उत्तर दें। एसएससी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, किसके काल में अयोनसांग भारत आया था? आंसर क्या रहेगा? हर्षवर्धन, अभी करवाया है, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यात्रियों का राजकुमार यह नाम किसको दिया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी यात्रियों का राजकुमार, भाई बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। यात्रियों का राजकुमार किसको नाम दिया गया था? अयोनसांग, ठीक है, बहुत बढ़िया, अयोनसांग। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को लड़ाई में किसने हराया था? यह मैंने करवाया था एक पहली क्लास में, हर्षवर्धन को लड़ाई में किसने हराया था? शायद कुछ बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, उनको इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। हर्षवर्धन को लड़ाई में किसने हराया था? पुलकेसिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया दे रहे बच्चे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट उत्तर दें। हर्षचरित के लेखक, शाबाश, उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बाण भट्ट, बहुत बढ़िया, बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये अभी नहीं करवाया था, कथाश्रित सागर, इसको नोट कर लेंगे, कथाश्रित सागर, कथाश्रित सागर के राइटर कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने था? कथाश्रित सागर को, कथाश्रित सागर के राइटर कौन है? इसका आंसर आएगा सोमदेव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोमदेव एसएससी एग्जाम में आ चुका पहले। अगली पुस्तक पूछता हूं, विक्रमांक देवचरित के राइटर कौन है? लिखवाया है आज ही, विक्रमांक देवचरित के राइटर कौन है? जब मैंने कल्लण के बारे में पढ़ाया था तभी एक और राइटर के बारे में पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता नाम, जब कल्लण के बारे में पढ़ाया था तभी उसके बारे में पढ़ा था, यही उसका राइटर है। तो विक्रमांक देवचरित के राइटर कौन आएंगे? बिल्लन, बिल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पंचतंत्र किसकी रचना है? आ चुका पहले प्रश्न, शाबाश अनु पहलावत, अंकित कौशिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा, शाबाश विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, मेघदूत के राइटर कौन थे? मेघदूत के राइटर कौन थे? कालिदास, शाबाश कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर आ रहे हैं, शाबाश, ये बनवाया था हरिसेन ने, हरिसेन, इससे पता लग रहा कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन, पढ़ा था ये, भारत का नेपोलियन नहीं, अनु पहलावत, समुद्र गुप्त राजा का नाम था, लिखवाया था हरिसेन ने। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? जल्दी उत्तर दें, पढ़ा चुका हूं पहले, समुद्र गुप्त, शानदार, समुद्र गुप्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, हरिसेन, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? जल्दी बताएं, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? शाबाश, उत्तराने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, समुद्रगुप्त उत्तर आएगा, समुद्रगुप्त, एक्सीलेंट। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नो, अभी पढ़ाया है, मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो क्या है? प्रश्न पूछा गया है, मिलिंद पन्नो क्या है? तो यह क्या है? एक बोध पाठ है, बोध पाठ, बोध साहित्य का हिस्सा है,
ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आ गया है, सबसे पहले अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे? ये बता चुका हूं मैं, सबसे पहले अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे? इसका उत्तर क्या आएगा? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़े थे? 1837। लास्ट क्वेश्चन आ गए बस भाई, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है सर्वाधिक? बहुत बढ़िया, अच्छे उत्तर आ रहे हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है सर्वाधिक? शाबाश, उत्तर रहेगा ब्राह्मी। बहुत बढ़िया, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? क्या आंसर आएगा? शाबाश, कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य। बहुत बढ़िया। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका, राइटर क्या नाम रहेगा? इंडिका लिखी थी भाई मेगास्थनीज। इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज। महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा था? बहुत बढ़िया, बच्चे शानदार उत्तर दे रहे हैं, लगभग आंसर राइट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। महाभाष्य किसने लिखा था? आंसर रहेगा पतंजलि। शाबाश पतंजलि। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग, अभी पढ़ाया है, अंग कहते हैं, अंग, 12 अंग हैं। एक और प्रश्न आ गया है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। ये थे भाई हमारे प्रश्न आज के। एक नाइट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जीके का एक नाइट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एक पोलिंग करेंगे, फेसबुक पे पोलिंग करूंगा आज। आईडी का नाम नोट कर लें, विजेता क्लासेस की तरफ से, विजेता एकेडमी की तरफ से, विजेता एकेडमी की तरफ से ही ये बैच स्टार्ट होगा। नाइट बैच लाइव चलेगा, लाइव मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सुनेंगे, लाइव बात करेंगे। लेकिन इस आईडी पे, ये मेरी आईडी है फेसबुक की, जय सारण, इस पे आज वोटिंग स्टार्ट होगी। वोटिंग में हिस्सा लें, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, जिनके पास मेरा नंबर है मैसेज करें, फेसबुक पे आएं, वोटिंग का हिस्सा बने। और उसमें क्या करेंगे, मैं डालूंगा भाई किस किस को नाइट बैच ज्वाइन करना है, यस और नो। शानदार पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा। ये मेरी आईडी फेसबुक आईडी, जिसके पास नहीं है रिक्वेस्ट डाल दो, अभी कर लें एक्सेप्ट। नमस्कार, धन्यवाद।